सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दी ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपको देखने वाला है थोड़ी बहुत ही स्टोरीज जो हमने डिस्कस करी थी रात में, बहुत मौज मस्ती हुई थी। वही सारी मौज मस्ती और कुछ स्टोरीज लेकर के ये वाला ब्लॉग आप एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घूसे मारे दो तीन घूसे मारे उसने, मैं समझ गया अभी ये रुकेगा नहीं ना भाई, अपनी पत्नी लेके जमीन पे लेट गया। मैंने सर्दी सांस नहीं आ रही पटी उसकी पटी आ रही उसकी, उसे पता था मजे ले रहा है। नीचे बात में इलेवन क्लास की बात थी तो इतना, अरे भाई उसका तो पता है जिसके ऊपर ये बीत थी, मतलब जिसके बम फोड़ा गया उसका क्या रिएक्शन नहीं पता लगा भाई भाई, यानी तो उसका दिमाग पता नहीं बच्चों वाला क्या दिमाग था भाई। रात के बज रहे हैं डेढ़ और हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, वही लेने के लिए जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है इसलिए धीरे आवाज करके जाना पड़ेगा। लाशें पड़ी है भाई, मॉन्स्टर पिज्जा मंगाने वाले थे लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं हो सकती थी, धीरे से बंद कर देखो उठने का भी। चलो सोचो भाई, एकदम धाकड़ पार्टी चालू होने वाली है। जरा देर तक चले भाई, 100 गिनता था इधर, उसमें भी अगर तुम ऐसे हाथ पीछे कर लेना 10 और काउंट करना। इसका मजा किसमें है एक बार भाई, इसका मजा इसमें है, ऐसे करके हाथ उसको फंसा लो फिर इसमें मार लो नकल पे। अरे मैं बता रहा हूँ, एक बार ये नीला पूरा इस मारा था एक दिन पहले, ये वाला पूरा नीला हो गया खा लो बड़ा भाई, फिर दूसरे दिन इस पे मारा ये नीला हो गया खा लो खा लो, तीसरे दिन ऐसे मारना शुरू किया और ऐसे हाथ करता था तो 10 एक्स्ट्रा पड़ते थे, तो पढ़ने में 50 थे, मैं अकेले के गया तो 150-150 के आस पास कहीं पर। और ये सब किया जाता था क्योंकि इसकी राइटिंग गंदी थी, तो ये सब करके राइटिंग सुधार लग में कोई मजे तो आएंगे क्लास के अंदर, ऐसे सीधे सीधे वो पिट जाऊंगा तो मजा भी नहीं आएगा। तो भाई कहा कि यथार्थ देखो, इससे नालायक बच्चा कोई नहीं है पूरे क्लास, ठीक है इतना बेहतर है बच्चा, इतना बता रही मैंने अपनी जिंदगी में इतना बदतमीज इंसान नहीं देखा। अब मेरे को लगा कि अरे अचानक से, लेकिन इसने मेहनत करी है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे नंबर आए भाई, मेरे को पहली बार लगा कि मुझे मारेंगे नहीं, मेरे को मतलब ऐसा कर गए घुमाए। और भाई 32 नंबर होते थे पास होने के लिए, 37 नंबर देखो पास हो गया ये सब पागल हो गए क्लास में, मैं भी पागल पास हो गया। बच्चे हमारी क्लास में ये था कि बच्चे पास करने के लिए साले 33 नंबर आ जाए। मुझसे कह रहे तुमने तो पूरी जीवो के कहते पूरे हफेली बनाए ना इसके लिए, कभी कभी 33 नंबर आए दादा मार दो, मैं किसी दिन तुम्हारा डॉक्टर वॉक्टर बन जाऊँ। मैं यार बच्चों को रोज आके मारना ही, उन्होंने क्या किया भाई ये यथार्थ पाठ ठीक है। अब मेरी क्लास में यथार्थ और पाठ दो लड़के थे, उस चूके पाठ अच्छा ठीक है, तो उस चूके कॉपी जो थी संस्कृत की उसमें गड़बड़ गया था, पिटना उसे था, वो आए उन्होंने अटेंडेंस की, उसमें नीचे लिखा था यथार्थ, वो कन्फ्यूज हो गए यथार्थ कौन है। अब मेरे मैं अपना काम करके लाया था, मैंने हाथ खड़ा कर दिया स्माइल करके, मैं कहीं जा रहा हूँ भाई, उन्होंने मुझे पंचिंग बैग बना दिया, मार मार के भाई पूरा सुअर भर दिया। अब पहला दिन था भाई क्लास का, मतलब कि मैं 2-3 दिन हुए थे स्टार्टिंग हुई थी क्लास की, अब मैं गया था भाई नए नए बच्चे हैं उस टाइम पे, नई नई जवानी भी आई थी, मतलब 8th 9th में थे इसकी मैम की नहीं मेरी सारी उतर गई पहला वेला, फिर कह रही है पार्ट और ये देखा मेरा मतलब पिट गए मेरी कॉपी उठाई थे, नहीं तुम्हारा भी पिटने का ही काम था ऐसा भी होता, मुझे पता है लिखा क्या है पढ़ के बताओ डिकोड करो, पूरी राइटिंग वाले इंसान होते हैं ये, जिसकी दूसरे में पढ़ाते हैं इसलिए यही सुनता उसका गिरा से बात कर देता था, बट किसलिए
बस पढ़ाने नहीं देते ना टीचर को, पाँच बंदों को बाहर हो जाओ भाई चले गए बाहर। अब एक दिन ठंड का टाइम कैड़ा, और अच्छा नया नया सीन ये होता था कि हम गर्मियों की ड्रेस पहन के जाते थे, मतलब वाइट पैंट होती थी हमारी गर्मियों में और वाइट शर्ट होती थी, तो हाफ हाफ स्वेटर पहन तो नीचे वाइट शर्ट वाइट पैंट ही पहन के जाते थे, ब्लैक पैंट सर्दियों की ड्रेस थी भाई। ठंड का टाइम और उसने क्लास से बाहर कर दिया, मूड खराब हो गया, सर्दी ने अंदर जाने नहीं दिया। हमने लगाई बाहर से कुंडी, पंखे का बटन होते थे हमारे लाइट पंखे के बटन होते थे बाहर, पंखे कर दिए सारे चालू और सर्दी अंदर से घट 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 खोल दरवाजा खोल कद्दू खोलना है हमने बाहर चला कि कौन है भैया। और भाई पी के जाने के बाद इंग्लिश डैम है, उसने बोला कि हमारे राकेश को ये मिल रहा है वो मिल रहा है, इसके लड़का लड़की आगे बैठे हुए टीचर की बात हो रही है, भड़क गया उसका लड़का कि भाई क्या कह रहा है ये, तो भाग गया बच्चा हिमांशु, कह रहा क्या कह रहा था, कह रहा नहीं वो मेरे पापा का नाम है राकेश, तो मेरे पापा के नाम से मजे ले रहा था वो, कह रहा आज के अंदर दिख मत जाना तुम लोग यहाँ पे, पापा का ये चल रहा है तुम ऐसे तुम ये कांड कर रहे हो। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, कल के ब्लॉग में आप देखिएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दूसरों से सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं, ताकि आपको आने वाले दिनों में और भी ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ मिलते रहें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।